रेवाड़ी जिले के गांव धवाना के प्रगतिशील किसान सुमेर सिंह 6 साल से परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती कर रहे हैं। उनसे प्रेरणा पाकर जिले के 28 किसानों ने भी जैविक खेती को अपना लिया है। सुमेर सिंह ने निजी स्कूल में शिक्षक की नौकरी छोड़कर खेती को व्यवसाय बनाया और 3.5 एकड़ में जैविक खेती शुरू की। इससे उन्हें काफी लाभ मिला। इसके बाद उन्होंने अन्य किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित करना शुरू किया। वर्ष 2016 में जैविक खेती के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की ओर से उन्हें प्रगतिशील किसान अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। और भारत सरकार की जो विशेष योजनाएं हैं, जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक पे विशेष ध्यान दिया है, उस पे किसानों के साथ हमने भी काफी ध्यान दिया और किसानों को ट्रेंड भी किया है। ऑर्गेनिक के माध्यम से सरकारी योजनाएं जो हमें मिल रही हैं कि हम 1 एकड़ में यदि PGS में रजिस्ट्रेशन करवा के जैविक खेती करते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पर ईयर 20,000 रुपये देगी। और वैसे भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन हमें ऑर्गेनिक के ऊपर भारत सरकार कर रही है। जो अभी 3 बिल आए हैं हम उनका 100% समर्थन करते हैं। मैंने क्या है कि 3 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। जो धवाना के सुमेर सिंह से ऑर्गेनिक खेती के बारे में ट्रेनिंग ली थी, और क्या है कि जो मोदी सरकार ने ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो पहल की है वो बहुत अच्छा कदम था। और जो MSP पे जो कानून बनाया है वो किसानों के हित में है और ये भविष्य में भी किसानों के हित में रहेगा। ये कानून ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो ट्रेनिंग ली है और सुमेर सिंह से ट्रेनिंग ली और ये मोदी सरकार ने जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो किया वो किसानों के हित में है। और जो भी काम सरकार उठा रही है मोदी सरकार, वो बहुत अच्छा काम कर रही है।